सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनिक राउत। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई मेन एग्जाम के थ्रू आप बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। ओके, जेई मेन 2022। मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चंस ये होंगे कि जेई मेन के थ्रू भी हम बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। साथियों, अभी जेई मेन 2022 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सेशन वन एंड सेशन टू, दो सेशन में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। सेशन वन का एग्ज़ाम हो गया है, इसका रिजल्ट भी आ गया है, ठीक है। बचा सेशन टू, इसका भी एग्ज़ाम 25 तारीख से स्टार्ट है, 25/7/2022 से स्टार्ट है। तो जो साथियों, जो स्टूडेंट्स जेई मेन 2022 का अप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं, उसका एग्ज़ाम भी है सेशन वन एंड सेशन टू का, तो आपको बता दें कि आप इस एग्ज़ाम के थ्रू आप बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। एकदम डिटेल्स में प्रोसेस इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो साथियों, आपका इसका एग्ज़ाम भी हो गया, इसका एग्ज़ाम होना है। तो आप एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद कुछ परसेंटाइल आएगा, ऑल इंडिया रैंक आएगा, तो नीचे में ओवरऑल परसेंटाइल आप कितना लाए हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट रहेगा ही, एंड लास्ट में टोटल परसेंटाइल रहता है, तो उसी परसेंटाइल के बेसिस पर आपको बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। ओके, तो प्रोसेस आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसको इरेज करते हैं। बता दें साथियों आपको, आप जितना परसेंटाइल लाएंगे उसी परसेंटाइल के बेसिस पर आपको, आप जानते हैं BCC एक बोर्ड है, BCEC बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है, ठीक है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, BCCB, उसके अंडर UGEC, इसी के थ्रू आपको बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग करवाना होगा। तो साथियों, आप एग्ज़ाम देकर आएंगे सेशन वन एंड सेशन टू। सेशन वन का तो एग्ज़ाम हो गया है, बाकी रहा सेशन टू का, इसका भी होने वाला है, इसका भी हो जाएगा, कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा। तो कुछ दिनों के बाद आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएगा, बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएगा, उसके अंडर आपको ये लिंक मिल जाएगा, इसी लिंक पर आपको इसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। कौन कराएंगे रजिस्ट्रेशन? UGEC, इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा। आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, कुछ 1200 अप्रोक्स आपको पेमेंट लगेगा। उसको रिजल्ट आने के बाद कुछ दिनों के बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, आपको A to Z इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे। तो इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद UGEC आपको रिजल्ट देगा। देखिए, आप जेई मेन का जो रिजल्ट है वो ऑल इंडिया में आपका रैंक आया है, आपका रिजल्ट आया है, आपको UGEC आपको बिहार में आपका कितना रैंक है उसका रिजल्ट देगा। तो आप बिहार में कितना जनरल कैटेगरी एंड आप जनरल से कितना रैंक लाए हैं UGEC देगा, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में जेई मेन के थ्रू आएगा, इसका रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो इसके बाद आपको बिहार में रैंक आएगा जनरल एंड कैटेगरी का, उस कैटेगरी जितना रैंक आप लाएंगे बिहार में उसी कैटेगरी एंड उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रैंक आएगा कैटेगरी वाइज आपका रैंक आएगा, उसी रैंक के अनुसार आपको बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। उसके बाद आपका रैंक दे देगा, कुछ दिनों बाद आपका काउंसलिंग का प्रोसेस देगा कि आप कॉलेज चूज कीजिए, कौन कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। टोटल गवर्नमेंट, यहाँ पर हम ओनली हम साथियों GOBT गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं, किसका? ओनली सरकारी कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। टोटल बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज 38 है प्योर गवर्नमेंट, ठीक है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आपका हो गया है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है बिहार का जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हो गया है। ओके, तो
तो यही प्रोसेस है। इसके बाद आपका इसका रैंक UGSC रैंक निकालेगा, उस रैंक के बाद काउंसलिंग होगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर UGSC के थ्रू काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होने के बाद आपको जो कॉलेज आप चूज किए होंगे उस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट, आप उस कॉलेज में एडमिशन हुआ कि नहीं होगा उसका अलॉटमेंट जारी होगा। ठीक है, अलॉटमेंट जारी होने के बाद आपको उस जिस कॉलेज जो कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में जाइए, एडमिशन लीजिए। एंड डिटेल्स में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या मतलब आपको टोटल प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। बस यही प्रोसेस से आप जेई मेन के थ्रू आराम से बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन ले सकते हैं। पहले साथियों BCC एग्ज़ाम लेते थे, ठीक है, BCC एग्ज़ाम लेते थे, अभी भी ले रहे हैं। पहले इसी के थ्रू ओनली बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता था, बट अब किसको दे दिया, NTU को दे दिया कि आप ही एग्ज़ाम लीजिए, इसके थ्रू होता है। फिर भी इससे जो सीट फुलफिल नहीं होता है ना, 100% सीट तो नहीं होता है, 50% कुछ रह जाता है बाकी, तो जो सीटें खाली रह जाता है, रिक्त रह जाता है, तो इससे अभी भी फिल होता है। आपको मालूम होगा कि अभी इसका भी फॉर्म फिल हो रहा है, इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है, PCM ग्रुप बायोलॉजी वाला, एग्रीकल्चर PCM, PCB एग्रीकल्चर, ये सब भरते हैं, मेडिकल फार्मेसी एग्रीकल्चर कॉलेज एडमिशन के लिए, इसमें भी इंजीनियरिंग भी है। तो ओनली PCM ग्रुप को, जिस स्टूडेंट का PCM ग्रुप होगा BCC में, उसी स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा। जेई मेन के थ्रू जितना सीटें खाली रह जाएगा तो BCC PCM ग्रुप वालों को, और उससे भी सीट, बहुत सीटें खाली रह जाता है जेई मेन के थ्रू, 50% सीटें ही भर पाता है, बाकी 20 से भरता है, उसके बाद ही बहुत सारी सीटें खाली रह जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस से आप जेई मेन्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो साथ ही आपको बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप बेशक इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। इस चैनल पर आपका नंबर का भी फैसिलिटी दिया गया है, आप नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ये भी सर्विस दिया गया है। ठीक है, तो बेशक आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज रिलेटेड एनी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट हो बेशक पूछिएगा। ठीक है, यह चैनल आप ही लोगों के लिए स्पेशल है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे डिटेल्स में आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है, एडमिशन प्रोसेस, कौन अच्छा कॉलेज है, टॉप का कॉलेज कौन है, कौन कॉलेज में अच्छा अच्छा ब्रांच है, टॉप ब्रांचेज कौन है, कितना रैंक पर कौन सा ब्रांच मिलता है, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक कर दिया, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।